नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। सीबीएसई समेत कई स्टेट बोर्ड के 12वीं के नतीजे आ जाने के बाद आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस की शुरुआत हो गई है। डीयू में आज से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। डीयू में एडमिशन के लिए छात्र आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए छात्रों को डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये दाखिला प्रक्रिया 31 अगस्त तक चलेगी। आपको बता दें कि डीयू के यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए छात्रों का किसी सीबीएसई या फिर किसी अन्य राज्य बोर्ड से 12वीं में पास होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद यूनिवर्सिटी में कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर हर कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। इन कट ऑफ के आधार पर छात्र कॉलेजों में जाकर एडमिशन ले पाएंगे। दरअसल डीयू लगभग हर साल 5 से 6 कट ऑफ लिस्ट जारी करता है। हर कॉलेज अपनी अपनी वेबसाइट पर कट ऑफ लिस्ट अपलोड करते हैं, जिसके आधार पर स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। यह एडमिशन का फाइनल प्रोसेस होता है। आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ लिस्ट सितंबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। पहली कट ऑफ जारी होने के बाद से 4 दिन बाद दूसरी और फिर इसी क्रम में अन्य कट ऑफ लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पिछले साल की तरह इस साल भी डीयू में एडमिशन प्रोसेस में देरी हो गई है। आमतौर पर जुलाई तक डीयू में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, लेकिन पिछले साल से कोरोना महामारी के कारण 12वीं के रिजल्ट में देरी के चलते डीयू का एडमिशन प्रोसेस भी प्रभावित हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।